तो जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इजाज़ हूँ, मैं चैनल नाम है जी आई जे रिव्यू। तो भाई पाकिस्तान में अब इन्फिनिक्स की तरफ से एक और न्यू डिवाइस आ रही है पाकिस्तान की मार्केट में, जिसका नाम है जी इन्फिनिक्स 020। और इस स्मार्टफोन की जो प्राइस होने वाली है पाकिस्तान में अंडर 70,000 की प्राइस टैग में आपको ये डिवाइस देखने को मिलेगी पाकिस्तान में। और आपसे झूठ बोलने का मुझे कोई भी स्वभाव वगैरह नहीं होना, ठीक है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये डिवाइस अगले हफ्ते से पाकिस्तान की ऑफलाइन मार्केट में आ चुकी है, ठीक है। तो अगर आप इस स्मार्टफोन को परचेज़ करना चाहते हो तो आप इस स्मार्टफोन को परचेज़ कर सकते हो ऑर्डर पे। लेकिन मैं तो भाई आपको नहीं कहूँगा कि आप इस स्मार्टफोन को परचेज़ करो, क्योंकि यार स्मार्टफोन की प्राइस 70,000 है और मुझे बिल्कुल भी इन्फिनिक्स पे यकीन नहीं है कि इस स्मार्टफोन में ऑप्टिमाइजेशन को बेहतर किया गया होगा, ख़ास तौर पर इसकी प्रोसेसर की ऑप्टिमाइजेशन को लेके मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं है, ठीक है। तो लेट्स सी इन फ्यूचर क्या होता है जब कोई भी मेरे से बड़ा यूट्यूबर इस स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग करेगा ना। सो डेफिनेटली एक दफ़ा गेमिंग टेस्ट और एक दफ़ा इस स्मार्टफोन का कैमरा टेस्ट लाजमी देख लेना। और उसके लिए जो मैं आपको चैनल रिकमेंडेड करता हूँ ना, वो है जी खालिद टेक्निकल और तलहा रिव्यूज़, ठीक है। और इन दोनों चैनल पे आपको 100% ऑनेस्ट रिव्यूज़ भी देखने को मिल जाएंगे। लेकिन यार स्मार्टफोन की प्राइस 70,000 है, तो 70,000 में आपको पाकिस्तान में सेकंड हैंड में वन ऑफ द बेस्ट डिवाइसेस भी देखने को मिल जाएगी। उसमें से एक वन ऑफ द बेस्ट डिवाइस है, वो है जी OnePlus 8 Pro। अब बात करते हैं स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में। आपको यहाँ पे एमोलेड का पैनल दिया गया है, 90 Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया है। स्मार्टफोन में आपको 6.7 इंच का स्क्रीन साइज भी प्रोवाइड किया गया है। स्मार्टफोन में आपको 86.0% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो प्रोवाइड किया गया है। स्मार्टफोन में आपको फुल HD की रेजोल्यूशन भी प्रोवाइड की गई है। स्मार्टफोन की प्राइस पाकिस्तान में 70,000 होने वाली है, तो यहाँ पे हमें 120 Hz का रिफ्रेश रेट भी नहीं दिया गया और ना ही हमें स्मार्टफोन में फुल HD+ की रेजोल्यूशन नहीं प्रोवाइड की गई जो देनी चाहिए थी। अब बात करते हैं स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में। तो भाई यहाँ पे स्मार्टफोन का जो मेन हाईलाइटेड फीचर है ना, वो इस डिवाइस का प्रोसेसर है, ठीक है। स्मार्टफोन में आपको एंड्रॉयड 12 का ऑपरेटिंग सिस्टम भी देखने को मिलेगा, XOS 12। स्मार्टफोन का लेटेस्ट UI भी आपको स्मार्टफोन में प्रोवाइड किया गया है। स्मार्टफोन में आपको MediaTek Helio G99 की चिपसेट प्रोवाइड की गई है, जो बेस करती है 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के ऊपर। और स्मार्टफोन में आपको ऑक्टाकोर का CPU भी दिया गया है। स्मार्टफोन में आपको Mali G57 का GPU भी दिया गया है। ये स्मार्टफोन एक गेमिंग बेस्ड डिवाइस भी है और एक कैमरा बेस्ड डिवाइस भी है, ठीक है। यार अगर बात की जाए ना MediaTek Helio G99 चिपसेट की परफॉर्मेंस की, और इस चिपसेट की परफॉर्मेंस अच्छी है, तो जो MediaTek Helio G99 है ना, ऑफिशियली सपोर्ट करती है PUBG में 60 FPS को। तो ये डिवाइस गेमिंग के लिए परफेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे आपको गेमिंग एक्सपीरियंस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये डिवाइस 90 FPS को तो सपोर्ट नहीं करती, ठीक है। हो सकता है कि यार ये इन्फिनिक्स की डिवाइस है और इस चिपसेट को बेहतर तरीके से ऑप्टिमाइज करके ना लगाया गया हो, गेमिंग एक्सपीरियंस अच्छा देखने को ना मिले। अब बात करते हैं स्मार्टफोन के कैमरास के बारे में। तो आपको बैक पे 108 MP का एक वाइड लेंस दिया गया है, 13 MP का एक डेप्थ सेंसर दिया गया है, 2 MP का एक मैक्रो लेंस दिया गया है। दोस्तों आपको बैक कैमरा में 4 LED फ्लैश लाइट की ऑप्शन भी प्रोवाइड की गई है। और स्मार्टफोन की प्राइस पाकिस्तान में 70,000 है, तो दोस्तों आप बैक कैमरा से ना 4K रिकॉर्डिंग भी नहीं कर सकते, बल्कि 1440p एंड 30 FPS और 60 FPS पे वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड कर सकते हो। अब बात करते हैं स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरा की। तो आपको फ्रंट पे 60 MP का एक वाइड लेंस दिया गया है, तो यहाँ पे आपको ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन की ऑप्शन भी प्रोवाइड की गई है, जो एक मैं कह सकता हूँ कि यह फीचर आम हो चुका है। फ्रंट सेल्फी कैमरा से बिना 4K रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, बल्कि फुल HD और फुल HD+ पे आप वीडियोज वगैरह भी रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है। और इवन के स्मार्टफोन की प्राइस 70,000 है, तो यहाँ पे डुअल स्पीकर की ऑप्शन प्रोवाइड की गई है। अगर स्टीरियो स्पीकर की ऑप्शन प्रोवाइड कर देते तो काफी ज्यादा अच्छी बात हो जाती। बात करते हैं स्मार्टफोन की बैटरी के बारे में। तो यहाँ पे आपको 4500 mAh की बैटरी प्रोवाइड की गई है, और स्मार्टफोन में आपको 45 वाल्ट की फास्ट चार्जिंग की ऑप्शन भी प्रोवाइड की गई है। लेकिन यार ये डिवाइस एक अच्छी डिवाइस नहीं है, तो हमने 70,000 लगा के अगर इन्फिनिक्स की ही डिवाइस को परचेज करना है तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। वन प्लस एट प्रो, फिर कह रहा हूँ, वन प्लस एट प्रो इस डिवाइस से काफी ज्यादा बेहतर है।